Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update from Aslan Javed. Today is the unboxing day. सबसे पहले बिफोर अनबॉक्सिंग दिस जो मैं लेके आया हूँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये कि आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आई वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम जिन्होंने सब्सक्राइब किया. और मैं विश करता हूँ कि और लोग सब्सक्राइब करें, ऑल दो इट विल टेक अबाउट 8 months or so, कि मैंने बैक एंड फोर मेहनत करने के बाद और ये चैनल जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का हो गया. थैंक यू वेरी मच. और अजहान भी इज़ वेरी हैप्पी कि फाइन इसके फादर के जो है 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा था मुझे. लेकिन बॉल मार्क्स हैं बेसिकली यूट्यूब के, 100 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, 10000 सब्सक्राइबर्स, इवन 1 लाख सब्सक्राइबर्स. तो वो जो बॉल मार्क हैं वो अचीव करने के बाद के सब्सक्राइबर्स का वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो मेरा एडवांटेज ये हुआ कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हुए उसी दिन मेरे 117 सब्सक्राइबर्स और गेन हो गए. तो मैं उसी दिन तकरीबन, पता नहीं क्या हुआ ऐसा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन कोई मैंने 130-140 सब्सक्राइबर्स गेन किए इन अ डे. जो मैं पर्सनली लगता है अवताक वाला व्लॉग है उससे हुए, क्योंकि उस पर व्यूज अच्छे आए, उस पर कॉमेंट्स अच्छे आए, उस पर लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया. थैंक यू वेरी मच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड काउंटिंग. आई होप कि ये सब्सक्राइबर्स 1 लाख तक जाएँ, फिर 1 मिलियन तक. ज़्यादा हो गई ना. चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं. सो इट्स टाइम फॉर सम अनबॉक्सिंग. और अजहान मेरे साथ है, अजहान कंफ्यूज. लेट्स सी, माय नेम इज रिटन ऑन दिस कार्ड. आई गॉट बेसिकली GoPro Hero Session 5. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, मैं वो शो कर रहा हूँ, वो है द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसके साथ मैंने ये ऑर्डर किया है बेसिकली GoPro की ऑफिशियल वेबसाइट से. आप भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपको कॉस्ट बता देता हूँ इसकी. इसकी कॉस्ट है GoPro Session 5 Adventure इज $2.99. मैंने वहीं से SD कार्ड ऑर्डर किया है. उसका रीज़न ये है कि मैं पहले पाकिस्तान से, मेरे GoPro Hero 5 है वो मैंने ऑर्डर किया, तो मसला ये था इसमें कि SD कार्ड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किया. तो $29 का मुझे SD कार्ड मिला, 32 GB. इसके साथ मैंने एक $4.99 का GoPro बैग, तो ये है ऑफिशियल बैग है ये, मैंने ऑर्डर किया है. इसके साथ साथ मैंने हेड स्ट्रैप एंड क्विक क्लिप ये भी साथ ऑर्डर किया है, वो अंदर है इसके. ये GoPro Hero 5 का बैग है, ये का बैग है, ये है बेसिकली हेड स्ट्रैप एंड क्लिप. और ये है GoPro Session Hero 5. और ये है SD कार्ड, जो कि बहुत लाजमी है, ये पाकिस्तान से लेते हैं. तो पाकिस्तान इज़ वेरी एक्साइटेड भाई, तालियां बजाओ सब लोग, अनबॉक्सिंग हो गई है. अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है, आप जब कोई चीज़ यूएस ऑर्डर करते हो उसका एडवांटेज ये होता है आपको कि उसमें ना आप रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त होती है. अगर आप समझ जाए 30 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हो, जो कि इसके साथ आया है. बाय द वे, एक हर्डल मुझे फेस हुआ इंटरनेशनल डिलीवरी के अंदर, वो ये है कि जब मैंने ऑर्डर किया तो एक हफ्ते तक डिस्पैच नहीं हुआ. तो जब डिस्पैच नहीं हुआ एक हफ्ते तक, तो मुझे मसला ये आया इसमें कि डिस्पैच ना होने की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम आया कि ये मुझे तीन से चार बार मुझे US कॉल करनी पड़ गई. और मैंने कहा कि मेरा ऑर्डर है, फिर उन्होंने बैंक से कंफर्म कहा था, बैंक से कंफर्म नहीं हो पा रहा था. तो ये थोड़ा सा हर्डल मुझे हुआ है. वेस्ट जैसी शिपमेंट हुई है उसके 3 डेज के अंदर मुझे डिलीवर हो गया ये, जैसी शिपमेंट हुई है. दिस इज़ अ गुड साइन. ये है Session 5. मैंने ये क्यों लिया है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. बहुत हैंडी है, छोटा सा है. मैं इसको अनबॉक्स करूं. सो ये है भाई Hero 5. ये एक चीज़ लगी हुई है, अगर आपको दिखे तो. ये चीज़ जैसे सील है, सील हम सील को हटाएंगे नाइफ से एज यूजुअल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ. आइए, ये मुझे ऐसे में थोड़ा सा एडवांटेज ये है वहाँ से मंगवाने में, ऑल दो उन्होंने $80 चार्ज किए टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट. और पाकिस्तान से मैंने क्यों नहीं लिया, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, लेकिन ना लेने का रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ये ज़्यादातर रीपैक होता है, तो मैं चाह नहीं था मैं रीपैक कोई चीज़ लूँ. मैं चाहता था मेरी ओरिजिनल चीज़ में जो भी मिले. तो ये है भाई GoPro
सेशन 5 एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मैं ऑलरेडी गोपो का अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ, इस वजह से मैंने ये एक ऑर्डर कर दिया. इसके बॉक्स में देखें क्या क्या है. ये अजान का थोड़े से मुझे मसले मसाइल हो गए हैं अनबॉक्स करने में आज. एज यूजुअल बुक्स एंड शिट, जो मैं बोलता हूँ हमेशा और मुझे हर जगह पढ़नी पड़ जाती है. इसके साथ दो माउंट आए जो बहुत यूज़फुल है मेरे लिए. मैं ऑलरेडी गाड़ी पर यूज़ कर चुका हूँ, आपने बहुत सारे शॉट्स देखे हैं मेरे, आपके सामने शॉट भी आया जो मैंने माउंट इस पर यूज़ किया है लगा के. तो ये गोप्रो के साथ आप दोनों साथ यूज़ कर सकते हो, मुझे बहुत हेल्पफुल है ये बेसिकली. इसके साथ साथ इसकी चार्जिंग केबल है. इसको निकालने की एक ट्रिक है बताया था आपको, इसको निकालने की एक ट्रिक है. ट्रिक ये कि इसको आप लिफ्ट करोगे ऐसे करके, लिफ्ट होने के बाद ऐसे करके पुश करोगे तो ये बेसिकली करके पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा. सो दिस इज़ दिस सेशन. आई मीन आई रियली लव दिस गैजेट. इट्स वेरी यू नो कितना छोटा था, देखा मेरे हाथ में छुप भी गया ये. तो आप इसको इस सर पर लगा के और डिफरेंट डिफरेंट जगह माउंट कर सकते हो. तो आई मीन मैं कंपेरिजन में दिखाऊंगा इसका कि आपको कंपेरिजन क्या क्या मिल सकता है इसके साथ. क्या यानी GoPro Hero 5 में और GoPro Hero 5 सेशन में क्या डिफरेंस है. वैसे बहुत सारे लोग दिखा चुके हैं, इट्स नॉट न्यू बट फॉर मी इट्स वेरी न्यू. कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके ऑलरेडी. और ये अजान नहीं बोल रहा, दे दो मुझे. असल में इतना सा है ये. सी हाउ स्मॉल इट इज. तो इतना सा है ये. इसके साथ इसके यहाँ बटन है, यहाँ पे ये बटन है इसके. ये बटन को हम प्रेस करेंगे ऐसे करके तो ये ओपन होगा. यहाँ बेसिकली जगह है SD कार्ड एंड चार्जिंग. SD कार्ड चार्जिंग की जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ. SD कार्ड चार्जिंग की जगह है यहाँ पे. तो इस SD कार्ड चार्जिंग की जगह यहाँ पे, यहाँ पे हम लगाएंगे ये SD कार्ड. तो SD कार्ड इसमें लगा के फिर हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या बेसिकली. हम देख तो गए आई थिंक इसकी नॉन अजान लगाने तो दो. ये थोड़ा इशू है बच्चा के साथ, अनबॉक्सिंग करना था मसला रहता है ना सर. SD कार्ड इसमें लगा रहे हैं. सॉरी असल में अजान जो है उसने बहुत मुझे तंग किया हुआ था, मैं उसमें ना कार्ड लगा पा रहा था ना कुछ. सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग और ये फिट हो गया फाइनली. ग्रेट साइन हो गया भाई, ये फिट हो गया है. इसमें कार्ड उसको ऑन करते हैं. इसकी नॉन रिमूवेबल बैटरी है. ऑल दो ये दो बटन से काम करता है, एक ये बटन इससे काम करता है और एक यहाँ बटन है इससे दोनों काम करता है. इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, इससे येस और नो होता है, इससे चेंजेस होती है. इसकी में कॉन्फिगरेशन, इसकी बैटरी बिल्कुल लो है. इसको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद दैन इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. और आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों के अंदर में कि सेशन 5 और हीरो 5 में क्या डिफरेंस है. तो वो आपको बता दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, तो वो आप देखें और इंजॉय करें. आप भी जब तक अजान को मैं संभालूँ, अजान ने थोड़ा तंग किया हुआ है, उसकी आवाज़ें आपको आ रही हैं. तो मैं आपको दोनों डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों की फुटेज में क्या डिफरेंस है. ये 10 मेगापिक्सल है बाय द वे, 4K पे शूट कर सकता है. और ये सेशन 5 हीरो जो है 10 मेगापिक्सल है, ये बेसिकली शूट करता है सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकेंड पे. इधर ये सारी कॉन्फ्यूजन लिखी हुई है, आपको दिख रहा हो तो. वाटर प्रूफ है, आई मीन रिलायबल है बहुत ज़्यादा. एडवेंचर बेसिकली कर सकते हो बहुत ज़्यादा इसके साथ. तो उसको स्टार्ट करते हैं, चार्ज करते हैं और देन आपको फीडबैक देते हैं कि इसका सेशन कैसा रहेगा. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately. अब हम compare करेंगे basically इन दो cameras को एक साथ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेरे पास पहले से था बेसिकली GoPro Hero 5 वो, और अब जो है कंपेयर करूँगा बेसिकली मैं GoPro Hero 5 सेशन के साथ. तो सबसे पहले टाइम लैप्स, ये टाइम लैप्स है बेसिकली GoPro Hero 5 का नाइट में, और ये टाइम लैप्स है बेसिकली GoPro Hero 5 सेशन का. अब हम चेक करेंगे इसके अंदर डे टाइम लैप्स दोनों का. सबसे पहले GoPro Hero 5
सेम लोकेशन पे GoPro Hero 5 सेशन। अब हम चेक करेंगे बेसिकली पिक्चर्स। ये था टोटल कैमरा व्यू ऑफ GoPro Hero 5 एंड GoPro Hero 5 सेशन का। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।